गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ 14 विराम चिन्ह पाठ के बारे में बताऊंगी। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह क्या होते हैं? जैसे हम कोई बात कह रहे हैं, अगर हम लगातार अपनी बात को हम बोल रहे हैं और बिना किसी विराम चिन्ह के, बिना रुके हुए, तो हमारी बात का कोई मतलब नहीं होगा। और जैसे एक बार मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक बार कुछ छात्रों ने अपनी कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया और निर्णय के लिए विभाग के अध्यापक को बुलाया गया। एक छात्रा ने अपना भाषण बहुत परिश्रम से तैयार किया था और जब उसे फिर भी उसे कोई पुरस्कार नहीं मिला। प्रतियोगिता के बाद उस छात्रा ने हिंदी अध्यापिका से उसका कारण पूछा तो मैम ने कहा, उनकी जो अध्यापिका थी उन्होंने बताया कि आपके तर्क, आपके विचार और बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जब आपने बोलना शुरू किया तो आप बोलती ही चली गई, आप रुकी नहीं। कहाँ रुकना है, किस लिए रुकना है, इसका आपको ध्यान ही नहीं रहा और इसलिए आपके वाक्यों का सही अर्थ समझ में नहीं आया। छात्रा कहती है, लेकिन मैम यह हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बोलते समय कब और कहाँ रुकना है? तो अध्यापिका ने कहा, इसके लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं और विराम का अर्थ होता है रुकना, कुछ समय के लिए रुकना। विराम का अर्थ होता है रुकना। कभी कभी हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, कभी हम अपनी पूरी बात करने पे हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस भाव से पढ़ना है, ये हमारे विराम चिन्ह ही बताते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, उस एग्जाम्पल में आपको देखना है कि अगर हम विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो इस बात के कितने मतलब हो सकते हैं। जैसे मिंटू खेलना मत पढ़ना, खेलना मत पढ़ना, मिंटू खेलना मत पढ़ना, तो इस बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मिंटू खेलना मत पढ़ना। तो अगर हम यहाँ पे मिंटू को माँ की बात समझ में नहीं आई, वो पूरा समय खेलता रहा, माँ को कहना चाहिए था मिंटू खेलना मत पढ़ना। तो यहाँ पे हम विराम चिन्ह को हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मिंटू खेलना मत, मिंटू खेलना मत, अब यहाँ पे एक बात पूरी हो गई, मिंटू खेलना मत, आगे आया पढ़ना, मतलब उसकी माँ ने कहा मिंटू से मिंटू खेलना मत पढ़ना। इस विराम चिन्ह को यहाँ से हटाकर हम यहाँ लगा देते हैं तो क्या सेंटेंस बनेगा, मिंटू खेलना मत पढ़ना। तो इस बात के दो मतलब हुए। और अगर हम विराम चिन्ह हटा ही देते हैं, हम लगाते ही नहीं हैं, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं होगा, मिंटू खेलना मत पढ़ना। तो हम विराम चिन्ह को अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, कब रुकना है, कहाँ रुकना है, कितने समय के लिए हम रुक रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मिंटू खेलना मत पढ़ना। अब फिर क्या होता है, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं अब विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है, रुकना, और विराम चिन्ह के प्रकार मैं आपको बताऊंगी कि कितने विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है वो पूर्ण विराम होता है। पूर्ण विराम जब हमारी बात पूरी, पूर्ण विराम हम कब लगाते हैं, जब हम अपनी पूरी बात को कंप्लीट करते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, यह हमारी पूरी बात हो गई है और उसका चिन्ह है ये। फिर आता है अल्प विराम, हम कहाँ लगाते हैं अल्प विराम, जब हमें अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें थोड़े समय के लिए रुकना होता है तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का चिन्ह ये होता है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, जब प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हमें प्रश्न पूछना होता है, कौन कहाँ जा रहा है, वह क्या कर रहा है और रामचरितमानस किसने लिखा,
तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का ये प्रश्नवाचक चिन्ह का चिन्ह है। फिर विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हमें आश्चर्य, खुशी, घृणा, भय आदि प्रकट करना होता है तो हम वहाँ पे प्रश्नवाचक विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग करते हैं और इसका चिन्ह ये होता है, विस्मयादिबोधक का चिन्ह ये होता है। अब आता है उद्धरण चिन्ह, एकहरा उद्धरण चिन्ह होता है, ये एकहरा उद्धरण चिन्ह होता है और ये दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। ये एकहरा उद्धरण चिन्ह होता है और ये दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। फिर होता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर ये होता है योजक चिन्ह और योजक चिन्ह का योजक चिन्ह इस तरीके से लिखा जाता है और योजक चिन्ह का प्रयोग जोड़ों के बीच में होता है। जैसे हम लिखेंगे राम सीता, जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण लिखा राम और सीता, तो राम और सीता के बीच में हम इस तरीके से उद्धरण योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका योजक चिन्ह। फिर आता है लाघव चिन्ह, फिर आता है लाघव चिन्ह। संक्षेप में सूचित करने के लिए ये होता है लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह इस तरीके से। जब संक्षेप में हमें किसी बात को, जैसे हमें लिखना है डॉक्टर तो हम यहाँ पे हमें लिखना है डॉक्टर तो हम इस तरीके से हमने प्रयोग किया। अब हम विराम चिन्ह किसे कहते हैं, अब हम आपको डिटेल में बताते हैं कि विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना। कभी हमें पूरा वाक्य खत्म होने पर रुकना होता है, कभी हमें बीच में रुकना होता है, तो ये हमारे विराम चिन्ह हैं और ये उनके प्रकार हैं। अब मैं आपको बताऊंगी विराम चिन्ह। तो पहले एग्जांपल में आपने देखा था कि किस तरीके से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें वाक्य जो होता है वो सेंटेंस जो होता है वो हमें समझ में नहीं आएगा। पहला जो होता है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कब लगाते हैं, जब प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब हमारी पूरी बात कंप्लीट हो जाती है तो वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे पूर्ण विराम हमें यहाँ पे लगाना है। फिर आपका हो गया अल्प विराम, अल्प विराम थोड़े समय के लिए जब हमें लगाना है, जब थोड़े समय के लिए हमें रुकना होता है, जैसे राम सीता गीता, राम के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे, सीता के बाद अल्प विराम लगाएंगे, गीता के बाद अल्प विराम लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़े समय के लिए रुकना है तो यहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। फिर होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर क्या आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पे जब प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर है विस्मयादिबोधक, जब हम विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग करते हैं, जब हम भय, आश्चर्य, खुशी, घृणा, तब हम विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम लिखने के लिए तथा लेखकों, कवियों के उपनाम लिखने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, तो आप इसमें राष्ट्रपिता जो है वो हम एकहरा उद्धरण, और उद्धरण चिन्ह के दो होते हैं एकहरा और दोहरा। फिर आता है योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग जोड़ों में किया जाता है, जैसे राम सीता, सीता गीता, माँ बाप, भाई बहन, तो उस समय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब हम दिन रात, जब हम किसी शब्द को जोड़ों में लिखने का प्रयास करते हैं। फिर होता है लाघव, संक्षेप में अपने शब्द को लिखने के लिए, संक्षेप में अपनी बात को लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर हमें लिखना है तो हम पूरा डॉक्टर नहीं लिखते हैं, ऐसे हम डाल लिख करके और यहाँ पे हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका विराम चिन्ह के बारे में है और इस विराम चिन्ह के
कितने प्रकार होते हैं, तो पहला जो होता है वो पूर्ण विराम होता है, अल्प विराम होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, विस्मयादिबोधक होता है, उद्धरण चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह के दो प्रकार होते हैं, एकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह और योजक चिन्ह, और आखिरी में आपका होता है लाघव चिन्ह। तो यहाँ तक आप रिविज़न करेंगे।